एक तरफ वो इंसान जिसे लोगों का समर्थन मिला है और जो देश को तरक्की की राह पर ले आया है, और दूसरी तरफ पक्षपात करने वाले भाई भतीजावादी भ्रष्ट और जातिवादी सोच के लोग हैं, जो अपने एजेंडाधारी पक्षपाती मीडिया के साथ मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित नरेंद्र मोदी के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम बनने से लेकर आज तक उनके हर पहल का विरोध, हर बदलाव, हर विकास को रोकने का विपक्ष द्वारा लगातार इरादतन प्रयास किया गया है। लेकिन देश ने नरेंद्र मोदी की दृढ़ता और दूरदर्शिता को पहचानते हुए न सिर्फ चुनावों में बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी उनके प्रयासों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया है। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में गुजरात के विकास और नरेंद्र मोदी के धीर गंभीर शासन के गहरे प्रभाव को महसूस किया। कन्या केलावड़ी जैसी योजनाओं से बालिका साक्षरता दर में सुधार ने गुजरात में बदलाव की बयार बहाई। 2001 और 2011 के तुलनात्मक अध्ययन में लड़कियों की साक्षरता दर में 13% की वृद्धि और बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में 29.77% की कमी आई। गुजरात 2010-11 में कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर घटकर 2.09% रह गई, जबकि 2000-2001 में ये दर 20.93% थी। ये लोक लुभावन और वोट पाने वाली योजनाएं नहीं थी, बल्कि ऐसी योजनाएं थी जिनका उद्देश्य राज्य के दीर्घकालिक सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना था। लोग बार बार नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं क्योंकि मोदी चुनावों के माध्यम से लोगों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं चलाते हैं। जब से उन्होंने पद संभाला है, यही उनका आदर्श वाक्य रहा है। नरेंद्र मोदी ने कई कठिन सुधार किए हैं जो हाल फिलहाल तो कठिनाई के रूप में नजर आ सकते हैं, लेकिन भविष्य में भारत को समृद्ध बनाएंगे। चाहे वो गुजरात में उनके सीएम के तौर पर ज्योतिग्राम हो या पीएम के रूप में कृषि बिल, श्रम सुधार, जीएसटी, आईबीसी और विमुद्रीकरण। सत्ता के लिए उन्होंने देश सेवा के सिद्धांतों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। राष्ट्र के विकास के लिए जो कुछ जरूरी है वो किसी भी संकीर्ण पक्षपात या राजनीतिक कारकों की परवाह किए बिना उसे पूरा करते हैं। 2002 से नरेंद्र मोदी के आलोचक इस सच से परेशान हैं कि ये लगातार चुनाव कैसे जीतते हैं। दरअसल जब देशवासी और भाजपा के कार्यकर्ता 100% आपके साथ होते हैं तो आप हर बार अपने आलोचकों को गलत साबित करते हैं, और 2002 से नरेंद्र मोदी यही कहानी दोहरा रहे हैं। 2002 में आलोचक ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पाएंगे। 2007 में नरेंद्र मोदी के आलोचक उनके फिर से सीएम न बनने का राग अलापने लगे। 2012 में उनके आलोचकों ने दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी फिर गुजरात के मुख्यमंत्री तो बनेंगे, पर वो कभी राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकते। 2013 में इन्हीं आलोचकों का राग था कि मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए भाजपा के अंदर ही पर्याप्त समर्थन नहीं है। पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद आलोचकों ने यह कहते हुए अपने सुर बदल दिए कि उनकी अगुवाई में बहुमत नहीं मिलेगा और ये सभी सहयोगियों को आकर्षित करने में नाकाम रहेंगे। देशवासियों ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को संपूर्ण बहुमत वाली सरकार के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। 2014 में लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय दर्ज हुआ और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 के चुनावों ने एक बार फिर उनके आलोचकों को गलत साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए उनके आलोचकों ने जो भी कुतर्क और गलत बयानी की, उससे उल्टा उन्हें ही मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत को विकसित करने के लिए संकल्पित उद्देश्य के साथ काम करते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से खुद को या अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करना योद्धाओं का धर्म है। भारत का विकास करना और इसे विश्व गुरु बनाना नरेंद्र मोदी का धर्म है। नरेंद्र मोदी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो जरूर जीतेंगे, साथ ही भारत जीतेगा, क्योंकि यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां धर्म है वहां विजय सुनिश्चित है।